हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदिराज फैमिली चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ अभी ढोकला। तो मैंने ढोकला का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, बट ब्लॉग आज आया है क्योंकि लेट हो जाता है वीडियो डालने को कभी कभी, तो इधर उधर के वीडियो हो रहे हैं मेरे, कंटिन्यूटी में नहीं हूँ मैं। तो ये मैं पैकेट का ढोकला बना रही थी, तो मैं उठी थी, 4 o'clock हो गए थे, तो उठी थी तो सोचा कुछ खा लेते, बना लेते, कब से पैकेट ला के रखा था तो बना लेते हैं। तो मैं ये वही प्रिपरेशन कर रही थी और 4 बज गए थे यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, इतना बोर हो रहा है ना, इतना बोर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नांदेड़ में लॉकडाउन भी हो गया है महाराष्ट्र में, कोरोना। आपको पता है हमारा सिटी जो है ना नांदेड़, वो पूरे इंडिया में फर्स्ट आया है बोल रहे कोरोना में। अब पता नहीं वो अफवाह है या रियल है, क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा रियल। अगर रियल होता था तो इतने में कर्फ्यू लगा देते थे और सब कुछ बंद कर देते थे इतना जल्दी, बट कुछ नहीं, लोग इधर उधर घूम रहे, क्या करें। अभी कुछ लोग घर में ही नहीं बैठ पा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी ऐसी है कि क्या पता पैसों के लिए ये कर रहे हैं या फिर डरा रहे, क्या पता क्या हो रहा है। जो भी हो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो हम तो घर में ही रहेंगे, इसलिए क्या करें, बोर हो जाता है तो कुछ बना बना के खा लेते हैं और फिर बर्तन साफ कर लेते हैं, उसमें टाइम पास करना पड़ रहा है। और मैं भी यहाँ पे अटक गई हूँ ससुराल में, क्या हो गया। मैं आई थी 2-3 दिन के लिए, थी बर्थडे के लिए, बट उसके लिए मेरे को क्या हो गया था ना, मैं आदि के लिए बर्थडे को आई थी, बट क्या हो, बर्थडे हुआ और लॉकडाउन हो गया, आधी गिर गई। आधी की वजह से मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ गया, तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, रुकना तो है वैसे भी। तो देखते हैं अब क्या, कब तक जाती हूँ मैं, 13 या उससे पहले चली जाऊँगी, 30 तारीख तक, मतलब 30 तारीख तक। तो ये देखिए, मैं बैटर को घोल के अच्छे से स्टीम पे पानी रख दिया था, देन उसके बाद मैंने वो लगा दिया था ढोकला। तो ये देखिए, मैं ढोकला लगा दी थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने बाकी के प्रिपरेशन किए, मतलब तड़का वो। तो देखते हैं आप कैसा बनता है। ये स्टीम नहीं बाहर जाना बोल के मैंने उस पर ये इली रख दी थी, इसको मराठी में इली बोलते हैं, जिसे वेजिटेबल कट करते हैं, अभी दूसरी भाषा में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन चिली, धनिया पत्ती, वो सब कट करके रेडी कर रही थी। तो चलिए, जब तक बनेगा तब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ कुछ सामने। तो चलिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदिराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वो लाइट दिख रही किचन की है, और तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ मैं। तो आपने देखा मैंने पास्ता बनाया, ढोकला बनाया। तो ढोकले का मैं बेसन का भी बनाती हूँ, पर वो पैकेट था घर में तो मैंने वो बनाया है। और अभी बज रहे हैं, पास्ता मैंने सुबह बनाया था और ढोकला मैंने अभी बनाया, अभी बज रहे 4 बज रहे अभी, तो मैंने अभी वो बनाया है। और अभी मैं ढोकला बन गया रखा है मैंने, तो 15 या 20 मिनट लगेंगे उसको, फिर वो खा के फिर मैं चाय बनाऊँगी। चाय बना के फिर देखते हैं शाम को क्या बनाना है आज डिनर में। तो अभी ढोकला खाऊंगी और चाय पीऊँगी, फिर शाम को देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। और मम्मी गई है मेरी बाजार लाने, मेरी सासू माँ बाजार लाने, मार्केट लगती है यहाँ पे सब्जी की, वेजिटेबल लाने, तो वो वहाँ पे गए हैं। और यहाँ पे ना बहुत पेशेंट बढ़ रहे कोरोना के, एक दिन में 1000 पेशेंट, एक दिन में 1000 पेशेंट बढ़ रहे। तो सब कुछ बंद हो जाता है 5 o'clock को, सब शॉप वगैरह बंद हो जाती है। तो वो जो मार्केट लगा है वेजिटेबल्स का, वो भी 5 o'clock को पुलिस वाले आके उनको उठा देते हैं, इसलिए जल्दी चले गए वो लाने। तो अब देखते हैं क्या लाते क्या नहीं। वेजिस तो थे वैसे भी घर पर कैसा कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए हम घर पर स्टॉक रखते हैं वेजिटेबल का। तो देखते हैं क्या आया क्या नहीं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे ढोकला बना के, तो दिखाती हूँ आपको। उसको ओपन भी तो नहीं कर सकते, तो ये देखिए यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मैंने ऊपर रखा है जिससे कि प्रेशर से थोड़ा स्टीम बाहर ना आए। और ये भिंडी धो के रखी है, तो शायद शाम को भिंडी बनाएंगे। और ये मैंने सब कट करके रखा है उसको तड़का देने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी चाकू नाइफ़ डाल के,
कि मेरा ढोकला पका कि नहीं, तो नहीं पका था, थोड़ा सा और स्टीम बाकी थी तो मैंने इसको ढक के फिर से रखा था। और तब तक मैंने इधर एक साइड तड़का लगा दिया, तब तक 5 मिनट के लिए पकाना था, तो वही पक रहा था। और बाकी ये देखिए तो क्या हो जाता है, बीच में पक जाता है, साइड में रह जाता है वो, तो ये पकेगा तब तक मैं एक साइड तड़का भी लगा दूँगी ढोकले पे जो ऊपर लगाते वो, तो वही मैं नींबू वो कट कर रही थी। और अच्छा बना था, स्पंजी बना था, आपने देखा ही शॉर्ट वीडियो में, तो यही था। और रेसिपी क्या है ना, मैं रेसिपी नहीं देती हूँ क्योंकि रेसिपी ढोकले की क्या रेसिपी देना, क्योंकि पैकेट वाला तो कोई भी बना ले, इसलिए मैं रेसिपी नहीं देती। बेसन का जब बनाऊँगी तो मैं ज़रूर रेसिपी दूँगी आपको। तो ये देखिए मैं इसको टैप टैप करके निकाल लूँगी ठंडा होने तक, तो इतना गर्म था, हाथ जल रहे थे मेरे। तो एक साइड ये देखो मैं दूध की मलाई भी निकाल रही थी, चाय रख रही थी एक साइड, और ढोकला भी हो गया था, तो चाय भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे। और ये देखिए तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी और अपनी सासू माँ से बातें भी कर रही थी थोड़ी थोड़ी, वो वेजिस लेके आ गए थे ना वेजिटेबल, तो वो ठीक कर रहे थे। और ये देखिए मैंने इसको पलट दिया दूसरी प्लेट में, और स्पंजी बना था, आपको दिखाती हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए ये देखिए कैमरे के सामने लाई, कितना स्पंजी बना था। तो यही मैं सोच रही हूँ एक बार केक भी ट्राई करूँ। मेरी एक ननद है वो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने केक बनाया था, ओ माय गॉड, आप देखोगे ना तो इतना होटल जैसा केक बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को बताया है भाभी ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, मुझे तो आता नहीं अभी, मतलब आता है मैंने ट्राई नहीं किया है, तो उनसे सीखूंगी तो मैं केक की रेसिपी दूंगी। तो ये देखिए ढोकला खा के चाय पी के फिर शाम को मैंने कपड़े लाई बाहर से, कपड़े वो समेट के रखी, और उसके बाद उसी दिन रात को इतनी बारिश आ गई थी, इतनी बारिश आ गई थी क्या बताऊँ आपको, लाइट चली गई थी हमारे इधर। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कपड़ों को अच्छे से समेट के रख देती हूँ, देन उसके बाद आपसे बातें करूँगी। और क्या हो जा रहा है ना, पता है कि मैं ना वीडियो एंड ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो जाता है आपको पता है, बाकी वीडियो बनाना इजी है, मतलब मेकअप का बैठ के बना लो, रिव्यू दे दो बैठ के दे दो, मतलब 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगते, बट ब्लॉग में कैसा है ना पूरा दिन लगता है, यहाँ का शूट करो यहाँ का शूट करो। हम ब्लॉग शूट तो कर लेते हैं, चालू तो कर लेते हैं, बट एंड ही नहीं होता है, एंड मतलब भूल जाते हैं, मेरा तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ आने के बाद पता ही नहीं रहता मैंने आज वीडियो चालू किया था क्या, फिर बाद में जब देखती हूँ तब पता चलता है कि अरे बाप रे मैंने वीडियो चालू किया था। और यहाँ पे देखिए मैं मिरर में दिखा रही हूँ आपको, कुछ भी करते रहती हूँ मैं, तो कैसा हो जाता है ना यही प्रॉब्लम। समेट रही थी तो मैं कपड़े लेके आई और कपड़े समेटे, अभी आपसे बात कर रही हूँ। और एक बात, यहाँ पे ना बहुत ही ऐसा बारिश आने जैसा हो गया है, यहाँ पे परसों के दिन रात को भी बहुत आंधी आई थी और बारिश आई थी, तो कभी भी बारिश आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी बारिश के जैसा, और इतनी गर्मी हो रही है, आ भी नहीं रही बारिश और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी भी वैसा ही आंधी वो निकल रही है। दोपहर में तो बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा अलग ही फील होता है। और अब क्या, हम खाएंगे मक्का, जिसको भुट्टा बोलते हैं, और भुट्टा बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, और मराठी में कनिश बोलते हैं, अब पता नहीं बाकी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो वो खाऊंगी। मेरी मम्मी उसको सेक रही है गैस पे, तो वो खाएंगे, मार्केट गए थे बोली ना, तो वहाँ से लाए हैं, तो अब देखती हूँ वो खाएंगे। और आदि चली गए टेरेस पे खेलने के लिए, और आपको दिखाती, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे वो खाने के बाद। और क्या बोलते हैं, अभी बज रहे शाम के 6:30, और दाल रख दिया मैंने कुकर में बॉयल होने के लिए, खाना डिनर के लिए प्रिपरेशन, दाल उबाल के रख देंगे क्योंकि यहाँ पे आंधी वो आ रही, आना शुरू हो गई, तो लाइट भी जा सकती है कभी भी, तो प्रिपरेशन करके रखना अच्छा है, गुड रहेगा हमारे लिए, नहीं तो लाइट चली गई तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उधर किचन में अंधेरा हो जाता है बहुत, तो वो कर देंगे। ओह सॉरी गाइस, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं पिंक साड़ी की, ये एक दिन पहले की है, और ये जो मैंने अभी वीडियोज बनाए इसका मैंने एंड ही नहीं कर पाई थी, तो मैंने क्या सोचा यही डाल देती हूँ और इस पर वॉइस ओवर दे देती हूँ। यार सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि भूल जा रही हूँ मैं वीडियो ब्लॉग शूट करना चालू किया है क्या मैंने, और उसको एंड करना है, भूल ही जाती हूँ, तो ये एक दिन पहले की क्लिप थी, तो मैंने सोचा
यही डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैं ज्वारी की रोटी बना रही हूँ और एक साइड राइस डाले हैं, दाल बना दी थी और सब्जी बना दी थी, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। और ये मैं बातें कर रही थी, मेरी ननद का कॉल आ गया था तो मैंने उनसे बातें करते करते स्पीकर पे फ़ोन लगा के बातें करते करते सब खाना वाना प्रिपरेशन कर लिया था। और ये मैं बना रही हूँ ज्वारी की रोटी। ज्वारी की रोटी मुझे भी पहले नहीं आती थी, मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था तो वही बना रही थी। तो रोटी वगैरह बना के देन उसके बाद कुछ नहीं, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अब ध्यान से मैं याद से ब्लॉग बनाऊँगी, तो बाय, टेक केयर, लव यू।